मुझे लगता है कि अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते होंगे तो आप लोगों ने मनरेगा के बारे में जरूर सुना होगा। और इसके तहत आप सभी जानते हैं कि आपको एक तरह से काम मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को रोजगार मिल जाता है। अगर आपके पास भी रोजगार नहीं है, और आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरपंच होते हैं, आपके जो स्थानीय पंचायतों के प्रमुख होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वो आपका मनरेगा कार्ड बना देते हैं और आपको एक तरह से कुछ दिनों का रोजगार मिल जाता है। तो इसमें अभी हाल में चर्चा में इसलिए हुए क्योंकि आप देखेंगे कि मनरेगा के तहत जो फंड है, इसमें कमी की बात हो रही है कि इसमें कमी हो गई है, तो उसी कारण ये चर्चा में भी है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे देंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से मनरेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आप देखेंगे अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर अपनी परीक्षाओं के उठा के देखेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि आपकी हर साल आपकी एक दो क्वेश्चंस से पूछे जाते रहते हैं। तो केंद्र की प्रमुख ग्रामीण रोजगार रोजगार योजना, जिसे आप लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, वित्तीय वर्ष के आधी अवधि के दौरान ही समाप्त हो गई है, जो फंड इसके लिए निर्धारित किया गया था। और इसका मतलब यह है कि जब तक राज्य अपने स्वयं के फंड निधि का उपयोग नहीं करते, तब तक मनरेगा श्रमिकों के भुगतान के साथ साथ सामग्री की लागत प्रदान करने में देरी होगी। और आपको यहाँ एक और उल्लेख किया गया है, एक शब्द वित्तीय वर्ष के बारे में। तो आपको बता दूं कि देखिए, मान लीजिए कि आप देखिए इसी वित्तीय वर्ष की बात कर लीजिए, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस एक साल को आप लोग वित्तीय साल कह देते हैं, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है आप लोग, ठीक। और इससे पूर्व सरकार ने विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए फंड के निचले स्तर को सही ढंग से प्रतिबंधित करने हेतु इसे चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 से लागू किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के लिए शैलीवार वेतन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की हुई थी। और मनरेगा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और जिसे पहले आप लोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जानते थे, और इसी का नाम बदला हुआ नाम एक तरह से आप कह सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। पहले आप लोग नरेगा के नाम से जानते थे, अब इसे आप लोग मनरेगा के नाम से जानने लगे हैं। और भारत में रोजगार एक तरह से देता है और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए वर्ष 2005 में पारित किया गया था। कब? सन 2005 में पारित किया गया था। और यह है योजना एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यहाँ एक बात भी आप लोगों को याद रखना होगा, किसके अधीन काम करती है, कौन से मंत्रालय के अंडर में? ग्रामीण विकास मंत्रालय के। और ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है, योजना के तहत नौकरी के लिए पात्र होंगे। और यहाँ आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो आपके परिवार में कितने भी मेंबर हैं जो काम करने की एज हो चुकी है उनकी, तो आप लोग अपने सरपंच या अपने जो भी इस तरह का स्थानीय पंचायत का प्रमुख होता है, स्थानीय नेता एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसे आप लोग वोट दे के चुनते हैं, उसके पास आप लोग जाइएगा और बोलिएगा कि हमें काम की जरूरत है, और वो आपका मनरेगा कार्ड बनवा देगा। और कई राज्यों में आप देखेंगे 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, कई कई राज्यों में आप देखेंगे 150 दिन का है, इस तरह से चलता रहता है। और इस योजना में आप देखेंगे वयस्क सदस्य स्वयं सेवकों की को अकुशल शारीरिक कार्य के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की गारंटी के रोजगार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, कि कम से कम 100 दिन का रोजगार तो आपको दिया ही जाएगा। फिर राज्य सरकारें चाहे तो आप देखते हैं कि कई राज्य सरकारें बढ़ा भी देती हैं। और इसमें आप देखेंगे 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया है, इस योजना के अंदर में लाया गया है। सूखे सूखे प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 50 दिनों की अकुशल मजदूरी रोजगार का भी प्रावधान रखा गया है, कि 100 दिन तो वो रोजगार मिलेगा ही, साथ में 50 दिन और उसमें जोड़े जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 150 दिन हो जाएगा। और मनरेगा की धारा 3-4 के अनुसार राज्य अपने स्वयं के फंड से अधिनियम के तहत गारंटी के अवधि से अधिक अतिरिक्त दिन रोजगार प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं। वही बता रहा हूं कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो इसमें अपने फंड से इसमें और दिन रोजगार आपको उपलब्ध करा सकती हैं।
अगर हम लोग मनरेगा से संबंधित जुड़े कुछ और मुद्दे देखें तो कम मजदूरी दर। वर्तमान में 21 प्रमुख राज्यों में से कम 17 की मनरेगा मजदूरी दर कृषि के लिए राज्य की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, और यह कमी न्यूनतम वेतन की 2 से 3% की सीमा में है। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के वर्ष 2017 के आंकड़ों से पता चलता है, मालूम होता है कि सामान्य खेतिहर मजदूरों हेतु औसत दैनिक मजदूरी पुरुषों के लिए 200, ये आप देखेंगे कितना, 264.5 रुपये, और महिलाओं की आप देखेंगे कि 205.32 रुपये रखा गया है। अब आप सोचिए कि आज के समय में 264 रुपये पुरुषों के लिए रखा गया है और महिलाओं के लिए 205 कितना होता है। और एक आप देखिए आज के परिवार के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से, और आज जो खर्चा है आपके उसके हिसाब से बहुत कम है। और एक बात और आपको बता देता हूँ, आप देखिए महिला असमानता की बात यहीं से उठने लगती है। आप देखिए महिलाओं को 205 रुपये और आप देखिए कि पुरुषों को 264 रुपये, यानी कि आप देखिए यही भेदभाव शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि सरकार भली इस तरह के प्रयास करती रही, लेकिन सरकार को ही सोचना होगा कि इस भेदभाव को कम से कम अपनी नीतियों में तो ना दिखाए। अपनी जो भी कार्यक्रम लागू कर रहा है, जो भी योजनाएं लागू कर रहा है, उसमें तो कम से कम समानता होनी चाहिए। और समानता की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 50% के करीब आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या और 50% पुरुषों की जनसंख्या है। तो राजनीति में हो, हर जगह हो, आप देखिए भेदभाव होता रहता है, और सरकार को ही प्रयास करना चाहिए। नामात की मजदूरी या कम मजदूरी दरों के परिणाम स्वरूप मनरेगा योजनाओं में काम करने के लिए श्रमिकों में कम रुचि देखी गई है, और जिससे ठेकेदारों और बिचौलियों को स्थानीय स्तर पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। और आप सभी देखते हैं कि जो आपके इस तरह के ठेकेदार होते हैं, नेता होते हैं आपके, जो भी आप जिन्हें आप चुनते हैं, वो फर्जी मनरेगा कार्ड बनवा लेते हैं और अपना घर भर लेते हैं। अपर्याप्त वित्त पोषण, यानी कि धन की कमी, पैसे की कमी। धन की कमी के कारण राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत रोजगार की मांग को पूरा करने में मुश्किल होती है। मजदूरी के भुगतान में देरी, अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहे हैं, और साथ ही वेतन भुगतान में देरी के लिए श्रमिकों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। मान लीजिए कि आप लोगों ने मनरेगा के तहत काम किया हुआ है तो टाइम पर ना तो आपको वेतन दिया जाएगा, और आपको वेतन भी लेट मिलेगा, उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो ये भी इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है, समस्या देखी जाती है। और इसने योजना को आपूर्ति आधारित कार्यक्रम में बदल दिया है, और बाद में श्रमिकों ने इसके तहत काम करने की में कम रुचि लेना शुरू कर दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि जब आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी, आपको कम वेतन दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि और टाइम से आपको वेतन ना मिले तो आप काम वहाँ आप काम करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2016 के एक फैसले ने मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी भुगतान को राज्य द्वारा किया गया एक स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन और बेगार का एक आधुनिक रूप बताया है। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, वैसे बहुत बातें बता रहा हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हो या हमारा देखिए आपके हाई कोर्ट हो, इस तरह के कई फैसले लेते रहते हैं, लेकिन आप देखिए सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, माने तब तो। आप सभी ने देखा है लॉकडाउन के टाइम किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई हुई है, आपके हाई कोर्टों ने फटकार लगाई हुई है, लेकिन सरकारें सुधरने का नाम ही नहीं लिए। आप देखिए कि एक तरह से 2016 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और एक तरह से उसने कहा था कि इनका टाइम पर एक तरह से भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए सरकारों की नींद से नहीं उठे। PRI की अप्रभावी भूमिका, बहुत कम स्वायत्तता के कारण ग्राम पंचायतें इस अधिनियम को प्रभावी व कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं है। और एक बात आप लोगों को याद आ जाती है, कब, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी की, कि आप देखिए कि उस समय एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप कितनी भी योजनाएं लाइए, कितनी भी आप कार्यक्रम चलाते रहिए, कोई भी नीतियां लाइए, जब तक वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती, मुझे लगता है उन नीतियों और कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अधूरी कार्यों की अधिक संख्या, मनरेगा के तहत कार्यों को पूरा करने में देरी हुई है और परियोजनाओं का निरीक्षण अनियमित रहा है, और साथ ही मनरेगा के तहत काम की गुणवत्ता व संपत्ति निर्माण का मुद्दा भी एक प्रमुख समस्या रही है। और एक समस्या को आप और बता दूं, जॉब कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी नामों को शामिल करना, लापता प्रविष्टियां और जॉब कार्ड में प्रविष्टियां करने में देरी से संबंधित कई मुद्दे भी इसमें समस्या बने हुए हैं।
और आपको बता दूं कि देखिए इस तरह की जागरूकता भी कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जागरूकता भी कम है। मुझे तो लगता है कई लोगों को तो ये मनरेगा के बारे में मालूम ही नहीं रहता है, तो उसमें जागरूकता भी होनी चाहिए। कम से कम उन्हें मान लू तो होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में 100 दिन कम से कम उन्हें रोजगार मिलेगा, ठीक है। इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मांग के बावजूद रोजगार प्रदान किए जाए, यानी कि आप रोजगार मांग रहे हैं तो नौकरी रोजगार उन्हें दिया जाए। सरकार को योजना का विस्तार करने और मूल संवर्धन पर ध्यान देना चाहिए तथा सामुदायिक संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए। योजना को सुदृढ़ बनाना, विभिन्न सरकारी विभागों तथा कार्य के आवंटन और मापन के तंत्र के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, और यह हाल के वर्षों में सबसे अच्छी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की मदद की हुई है। हालांकि सरकारी अधिकारियों को बिना काम को अवरुद्ध किए योजना को लागू करने के लिए पहल करनी चाहिए। और आपने देखा है कि लॉकडाउन के कारण, जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और लोग अपने गांव लौट रहे थे, तो आप देखिए काफी इस योजना का लाभ लोगों को मिला है, उनका खर्च पानी, उन्हें रोजगार मिला है गाँव में। और आप सोचिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ही उन्हें अपने घर के आसपास रोजगार मिल जाता है तो मुझे लगता है वो कभी घर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। जेंडर वेज गैप, भुगतान में कुछ विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है, और इस क्षेत्र की महिलाएं अपने पुरुषों के समकक्ष की तुलना में औसतन 22.24% कम कमाती है, जो मैंने तुलना करने की बताई हुई थी ना कि देखिए महिलाओं को कम मिलता है पुरुषों को अधिक मिलता है, उसी की बात की जा रही है। और मुझे लगता है कि एक भ्रष्टाचार भी काफी इसमें अवरोध बना हुआ है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि सरपंचों को इस तरह, जो भी आपके नेता होते हैं, नेतागण होते हैं जिन्हें चुनते हैं आप लोग, वो भी कुछ अगर पहल करें तो मुझे लगता है बेहतर योजना है और बहुत अच्छे से लागू हो सकती है। और आप देखिए फ्री का तो आपको देना नहीं है, आप भी ही जानते ये बात, तो कि एक तरह से आप देखिए आपकी पुलिया बनती है या इस तरह की आप डैम बनते हैं, तालाब बनते हैं, तलैया बनते हैं, और भी आप देखते हैं रोड बनते हैं, उसमें आप काम करवाना ही है और रोजगार भी मिलता रहेगा, काम भी होता रहेगा। तो इस तरह के टॉपिक को आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहते हैं हमेशा, ठीक है।